हेलो एवरीवन, 18 प्लस का वैक्सीनेशन 1 मई से स्टार्ट हो चुका है, यानी 18 साल से लेकर 44 साल तक के एज के लोगों का वैक्सीनेशन भारत सरकार ने कोविन पोर्टल के माध्यम से स्टार्ट कर दिया है। पर अभी तक हमारा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि वैक्सीन के सारे स्लॉट्स समय के पहले बुक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक जिसमें आप बड़ी आसानी से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन के लिए आप तीन तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहला है cowin.gov.in, इस पोर्टल के माध्यम से आप वैक्सीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है आरोग्य सेतु ऐप, इसके माध्यम से भी आप अपने स्मार्टफोन से वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और तीसरा है उमंग ऐप। तो वैक्सीनेशन के लिए आप तीन तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आरोग्य सेतु ऐप का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने भी अपना वैक्सीनेशन आरोग्य सेतु ऐप से ही करवाया है। उसका कारण ये है कि सबसे पहला जो है cowin.gov.in, जब यहाँ आप अप्लाई करते हैं, यानी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या आप जब अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, तो OTP के लिए आपको अपने एंड्रॉइड से देख करके आप OTP डालना पड़ेगा। इसके बाद में जब स्लॉट बुक करते हैं तो फिर आपको कैप्चा भी डालना पड़ेगा, और जितनी देर में आप कैप्चा डालते हैं उतनी देर में तो सारा खेल ही खत्म हो जाता है। और तीसरा है उमंग ऐप, इसमें हालांकि कैप्चा डालने की जरूरत पड़ती नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा स्लो चलता है। ये मैंने अप्लाई करके देख चुका हूँ, उमंग ऐप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हैंग चलता है और इसमें भी काफी टाइम लग सकता है। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँ कि आप आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करें, वो भी अपने स्मार्टफोन से, क्योंकि स्मार्टफोन से आप जब इस्तेमाल करेंगे तो पहली बात यह है कि OTP के लिए आप ऑटोफिल का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है और इसमें कैप्चा का भी कोई झंझट नहीं है, तो बड़ी आसानी से आप आरोग्य सेतु ऐप से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब हमने तो यह पता लगा लिया कि किस मेथड से हमें अप्लाई करना है, अब हम बात करेंगे कि जल्दी से अपना स्लॉट कैसे बुक करें। जल्दी से अपना स्लॉट बुक करने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है टेलीग्राम ऐप, फिर है आरोग्य सेतु ऐप जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और तीसरा है एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है under45.in। वैसे तो अनेक प्रकार की वेबसाइट अवेलेबल हैं, जैसे वैक्सीनेट मी, गेट जैप डॉट इन, एयरटेल थैंक्स ऐप, माई GOV कोरोना हेल्प डेस्क, चैटबोट, फाइंड स्लॉट डॉट इन और पेटीएम। ये वेबसाइट एक तरह से API का यूज करके बनाई गई एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जिसमें आप कोविन पे देख सकते हैं कि भारत सरकार ने भी एक डैशबोर्ड में एक मेनू ऐड किया है OpenAPI, इसके मदद से भी आप अपना थर्ड पार्टी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस सेंटर में, किस रीजन में, किस समय स्लॉट ओपन होने वाला है। सबसे पहले आप अपने रीजन का या अपने जिले का टाइमिंग पता कर लें। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की मदद से अपने टेलीग्राम ऐप को एक्टिव करना पड़ेगा ताकि हमें स्लॉट का नोटिफिकेशन मिल सके कि किस एरिया में कितने स्लॉट्स हैं या किस सेंटर में कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सर्च इंजन गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा और टाइप करना है आपको under45.in, जो पहला ऑप्शन है टेलीग्राम अलर्ट फॉर वैक्सीनेशन स्लॉट, इसे क्लिक करें। इसके बाद में एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें लिखा है टेलीग्राम अलर्ट्स, पर्टिकुलर स्टेट को आप यहां सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस जिले में आप रहते हैं, उस जिले को यहां सिलेक्ट करें, और जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं यहां टेलीग्राम का एक लोगो बना हुआ है और लिखा है U45 इंदौर, तो इसे आप क्लिक कर लें। तो यहां आप देख सकते हैं कि यदि आपने पहले से ही टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल किया है तो यहां आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा टेलीग्राम। टेलीग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है U45 इंदौर। इसमें लगभग 32,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन आता है पर्टिकुलर जितने भी सेंटर्स हैं, कितने स्लॉट उस सेंटर में अवेलेबल हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ही स्लॉट ओपन होगा वहाँ आपको टेलीग्राम पे एक नोटिफिकेशन आएगा किस सेंटर में कितने स्लॉट्स हैं, इसका पता कर लें और फिर इसके बाद में आप अपना स्लॉट बुक करें। अब इतना सब करने के बाद में अब हम वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप पे आप जाएं। आरोग्य सेतु ऐप पे जाने के बाद में ब्लूटूथ ऑन करना होगा, ब्लूटूथ ऑन कर लें और इसे अलाउ कर दें। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैक्सीनेशन पे जाएं, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, या कोविन पे भी आप जा सकते हैं, तो ले देके आप वैक्सीनेशन के ऑप्शन पर ही पहुंचने वाले हैं। आप यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको एक OTP आएगा, आप यहाँ क्लिक करें, ऑटोफिल करें, तो ये अपने आप OTP ले लेगा। फिर यहाँ प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंट्रीज फिल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ जो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ फिल कर लें। तो मैंने यहाँ चूज किया है आधार कार्ड। आधार कार्ड का नंबर डालें, फिर यहाँ आप अपना नाम डालें, जेंडर सेलेक्ट करें,
और डेट ऑफ बर्थ ईयर सेलेक्ट करें, इसके बाद सबमिट करें। यहाँ देख सकते हैं आप पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। स्लॉट बुक करने के लिए राइट वाले निशान पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक शेड्यूल अपॉइंटमेंट का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ आप अपने एरिया का पिन कोड डालें। आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज यहाँ क्लिक करके अपना सेंटर और अपना स्लॉट का पता लगाएं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले को आप यहां सेलेक्ट करें और यहां फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर पे क्लिक करें। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहां पे सेलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर का एक ऑप्शन ओपन होगा। तो यहां पे आपको सेट करना पड़ेगा कि किस वैक्सीनेशन सेंटर पे स्लॉट अवेलेबल हैं, और ये आपको पता चलेगा अपने टेलीग्राम ऐप पे। जल्दी से आप यहां आके देख लें कि किस सेंटर पे, किस पर्टिकुलर सेंटर पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सारे एरिया के स्लॉट आपको दिखाई देंगे। इसके बाद में उस पर्टिकुलर सेंटर में कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, किस तरह की वैक्सीन है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। किस तरह की वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल है, इसके बाद में यहाँ पर नंबर शो करेगा कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, 200 है, 187 या 300 है। इसके आधार पे आप यहाँ सेलेक्ट करें और टाइमिंग सेलेक्ट कर लें, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5। जैसे ही आप सेलेक्ट करें इसके बाद में प्रोसीड करें। प्रोसीड के बाद में आपको जल्दी जल्दी कन्फर्मेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि जितना भी आप टाइम लगाएंगे उतना आप डिले हो जाएंगे। तो आपको जल्दी से प्रोसीड करने के बाद में कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। तो आपको एक मैसेज आएगा, 4 डिजिट का जो कोड है वो आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे दिखाना होगा। इसके बाद में आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है या स्पुतनिक भी है। इसमें ज्यादा आप टाइम लगाएंगे तो उतना आप डिले हो जाएंगे। तो फटाफट यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट करें, इसके बाद में प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद में आपको तुरंत कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। जितना समय आप यहाँ लगाएंगे उतना ही इसमें टाइमिंग का खेल है। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई हैक्स नहीं है, बस इसमें टाइमिंग का खेल है। आप जितना फास्टली यहाँ करेंगे उतना जल्दी आपका स्लॉट बुक हो पाएगा। यदि आपने कोविशील्ड लगवाया है तो लगभग 4 डेज के बाद में आपको सेकंड डोज भी लगवाना है। इसके बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा डाइट में ध्यान देना है, हेल्दी डाइट लें। इसके बाद भी आपको वैक्सीन नहीं लग पाती है, स्लॉट बुक नहीं हो पाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 महीने में ये सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आप बाद में भी अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।